हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। चाहे आईबी का एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, आरपीएफ हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में विद शॉर्ट ट्रिक। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली रीजनिंग की वीडियो, मैथ की वीडियो, ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, इससे पहले बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं रीजनिंग की भी, मैथ की भी और ऑनलाइन टेस्ट की भी। उन सभी की प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का पुत्र है, राजीव का सुनील से क्या संबंध है। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे रीड करके, तो शायद ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही आसान तरीका है, उसको एक बार सीख लीजिए, बहुत ही आसानी से आप ये ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है राजीव अरुण का भाई है, तो राजीव और अरुण एक ही जनरेशन के दो मेंबर हैं इस क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, राजीव और अरुण को एक ही लाइन में लिखेंगे। ठीक है, राजीव और अरुण दोनों भाई भाई हैं, तो एक ही लाइन में आपने लिख दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट बोला जा रहा है सोनिया सुनील की बहन है, तो सोनिया और सुनील भी एक ही जनरेशन के दो मेंबर हैं इस ग्रुप में, तो इनको भी एक ही लाइन में लिखना है, सुनील और सोनिया। ठीक है, दोनों बहन भाई हो गए। फिर उसके बाद बोला जा रहा है अरुण सोनिया का पुत्र है, तो अरुण अगर सोनिया का पुत्र है तो ये इसके नीचे आएगा, यानी कि एक जनरेशन इससे सोनिया से कम होगा, तो ये इसकी माँ हो जाएगी। अगर ये इसकी माँ है तो ये इसकी भी माँ होगी, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। ठीक है भाई, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं एक लाइन में लिखने का मतलब और ये नीचे और ऊपर लिखने का मतलब क्या बता रहा हूँ। ठीक है, ये जनरेशन गैप है। देखिए, सोनिया और अरुण के बीच में एक जनरेशन का गैप है, तो मैंने इसको एक स्टेप नीचे लिखा। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा सोनिया जो है राजीव की भी मदर है और अरुण की भी मदर है, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। अगर इसकी मदर है तो इसकी भी मदर हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, राजीव का सुनील से क्या संबंध है। देखिए, राजीव का सुनील से क्या संबंध हो जाएगा, राजीव सुनील का क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे कैसे, ये दोनों बहन भाई है और इसकी बहन का लड़का अगर अरुण है और राजीव है, तो राजीव का सुनील से क्या संबंध हो जाएगा, भांजा। तो राइट आंसर भांजा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी पूरी वीडियो को देखिएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में बोला जा रहा है ए डी का भाई है, तो ए और डी दोनों भाई भाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए डी का भाई है, तो ए और डी को एक ही लाइन में आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में बोला जा रहा है डी बी का पिता है, अगर डी बी का पिता है तो बी इससे नीचे आएगा, क्योंकि इसका पिता है। अभी इसका जेंडर डिफाइन नहीं है कि ये मेल है फीमेल है, बट अभी ये इसका पिता है तो हमने इसके नीचे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद में बोला जा रहा है बी और सी बहने हैं, तो इसका मतलब बी भी फीमेल है और सी भी फीमेल है, दोनों बहने हैं, तो इनको हम एक लाइन में लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है ये इसका पिता है तो ये यहाँ पे है, तो ये इसकी इसी लाइन में आ जाएगी, ये इसकी बहन है, तो ये दोनों बहनें हो जाएंगी इस तरीके से। उसके बाद में बोला जा रहा है तो सी ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे अभी मैंने जैसे बताया आपको, ये इसका पिता है तो ये इसका भी पिता हो जाएगा, और ये सी का अगर ये पिता है और ये इसका भाई है तो इसकी भतीजी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये इसकी भतीजी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट रहेगा, भतीजी का, ये भी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक तो बनता है यार, लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, यहाँ पर एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पोते की पत्नी की पुत्री है, तो वह तस्वीर किसकी है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे सोल्व करना है, वो भी आप फिगर मेथड से ही करेंगे, जैसे मैं आपको ऊपर बताया है। देखिए, यहाँ पे बोला इसने कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पोते की पत्नी की पुत्री। तो अब इसी पूरी लाइन में पूरा क्वेश्चन छिपा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पोता, अगर दादा यहाँ पे हैं
उससे नीचे क्या होगा, पिता होगा, और उसके बाद पुत्र यानी कि दादा का पोता ये खुद हो जाएगा। अब समझिए, इसने बोला कि वह इकलौते दादा के पोते, तो सबसे पहले तो दादा के पोते तक ही जाएंगे ना, उसके बाद उसकी पत्नी पे जाएंगे। तो यहाँ पे दादा, अगर देखिए दादा सबसे ऊपर रहेगा क्योंकि दादा की जनरेशन सबसे बड़ी है, उसके बाद दादा का बेटा आएगा और बेटे का जो बेटा होगा वो उसका पोता होगा। तो इसका मतलब वो खुद के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दादा का बेटे का बेटे का बेटा तो उसका पोता होगा, और पोते की भी पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है इसी तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पोते, पोता वो खुद हो गया, कि पत्नी उसकी पत्नी हो गई, जो ये पुरुष तस्वीर की ओर इशारा करके बता रहा है ना, वो खुद के बारे में बता रहा है। पोते की पत्नी की पुत्री, तो पत्नी की पुत्री क्या हो जाएगी, देखिए ये एक ही जनरेशन के हो जाएंगे, पति और यानी कि पुरुष और उसकी पत्नी एक ही जनरेशन के हो जाएंगे, तो एक ही लाइन में लिखा, और पत्नी की पुत्री ये हो जाएगी। तो जिस तस्वीर की ओर इशारा कर रहा था वो पुरुष, यहाँ पे देखिए वो उसकी पुत्री हो जाएगी, ठीक है भाई। अगर ये बोल रहा है कि एक दादा के एक लौते पोते की पत्नी की पुत्री, तो वो खुद की बेटी के बारे में बात कर रहा है, तो ये इसकी पुत्री हो जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो शायद बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से मानते हुए करते हैं कि सबसे पहले दादा, उसके बाद में उसका पिता होगा, उसके बाद ही तो पुत्र होगा, और ये इसका इकलौता पोता हो जाएगा, और पोते की पत्नी कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी, और पोते की पत्नी यानी कि ये पोता खुद हो गया, और उसकी पत्नी की पुत्री ये हो गई। अगर ये इसकी पुत्री है तो ये इसकी तो भी तो पुत्री होगी ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुष की पुत्री राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी और भी क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है एक्स वाई की बहन है, तो एक्स और वाई एक ही लाइन में आएंगे जहाँ पे भी रखे जाएंगे। वाई के की पुत्री है, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को यहीं से करना। एक्स और वाई की बहन है, तो एक्स और वाई को एक लाइन में रखिए जहाँ पे भी आप रखोगे, ठीक है। एक्स और वाई को मैंने यहाँ पे लिखा, एक्स वाई की बहन है। अभी वाई का हमें जेंडर नहीं पता है, बट एक्स का पता चल गया बहन है, तो क्या पता है भाई भी तो हो सकता है ना, बट यहाँ पे अभी नहीं लिखेंगे हम ये माइनस का, ठीक है, बट यहाँ पे लिख सकते हैं, ये दोनों बहनें हो जाएंगी। उसके बाद में बोला जा रहा है वाई के की पुत्री है, जो वाई है वो के की पुत्री है, तो वाई के की पुत्री होगी। इसका मतलब भाई वाई भी एक फीमेल मेंबर है, और ये के की पुत्री है, तो ये इसके नीचे आएगी, के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक्स और वाई बहने हैं, वाई जो है वो के की पुत्री है, तो ये इसके नीचे और ये के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर जाएगा। उसके बाद वाई के की पुत्री है, के एल का पति है। अगर के एल का पति है तो इसका मतलब एल पत्नी हो जाएगी, भाई के पुरुष मेंबर है तो एल जो होगी वो फीमेल मेंबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा के, और ये इसकी पत्नी एल हो जाएगी, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एल का वाई से क्या संबंध है, तो एल का वाई से क्या संबंध हो जाएगा। देखिए अगर ये इसकी पुत्री है तो इसकी भी तो पुत्री होगी ना, तो ये इसकी एल का क्या संबंध है, एल इसकी माता हो जाएगी, तो माता इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, समझे आप इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला था कि के जो है वाई जो है के की पुत्री है, अगर ये इसकी पुत्री है और ये दोनों पति पत्नी है, तो इसकी भी तो पुत्री हो जाएगी ना, तो ये इसकी माता हो जाएगी, इसके फादर हो जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये एल के वाई से क्या संबंध रखता है, तो माता हो जाएगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इशारा करके बताने वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए ये वाले क्वेश्चन अब बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। मैं जितने भी एग्जाम देख रहा हूँ, आरपीएफ का देखा है अभी, उससे पहले ग्रुप डी देखा था, एएलपी देखा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे जा रहे थे, और यूपी पुलिस भी देखा है, उसमें भी क्वेश्चन था ये, तो मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा करा रहा हूँ। यहाँ पे है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रानी कहती है, रानी है एक लड़की जो बोल रही है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते संतान का इकलौता पुत्र है। मेरे दादाजी के इकलौते संतान कौन होंगे, भाई उसके खुद के पिता हो जाएंगे ना, क्योंकि वो दादाजी के बारे में बात कर रही है, तो दादाजी की संतान क्या होगी, उसका मतलब पिता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें इस तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने प्लस लगाया, ये दादाजी हो जाएंगे, उसके नीचे उसका पिता, ठीक है, खुद का एक लौते संतान कौन हो जाएगी, उसका पिता हो जाएगा, तो ये रानी जो है रानी का पिता हो जाएगा ये, ठीक है भाई। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मेरे दादाजी के एक लौते संतान, तो एक लौते संतान तो उसके खुद के पिता हो जाएंगे ना, दादाजी के। आप खुद पे भी अपने घर में भी सोच सकते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए क्वेश्चन को करेंगे, और भी जल्दी सोल्व हो जाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने प्लस जो लगाया रानी का पिता हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते संतान का इकलौता पुत्र है। तो एक मेरे लौते सॉरी मेरे दादाजी के इकलौते संतान का इकलौता पुत्र कौन होगा? उसका बेटा यानी कि इसके पिता का बेटा, और इसके पिता का बेटा ये इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है, इसका भाई हो जाएगा क्योंकि ये इसका पिता है। अगर ये इसका पिता है तो इसका भी पिता है, और ये लड़का है और ये लड़की है तो दोनों बहन भाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है रानी का उस लड़के से क्या संबंध है, तो ये इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये ब्लड रिलेशन के और भी पार्ट आएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि पूरे का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करना बहुत डिफिकल्ट है, तो अभी और भी पार्ट आएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। आज ये वाले ज़्यादातर क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी यानी कि मेरी माँ हो जाएगी, जो लड़का वो बोल रहा है उसकी माँ हो जाएगी, कि इकलौते पुत्र, उसके इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस टाइप से इस क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे पिता ये हो गए और उसकी पत्नी ये हो गए, ठीक है। ये मेरे पिता, एक आदमी इशारा करते हुए जो बोल रहा है कि मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे पिता की पत्नी एक ही जनरेशन हो जाएंगे, तो ये मैंने लिख दिया कि इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री ये हो जाएगी, ठीक है, सॉरी पुत्र ये हो गया कि पुत्री, पुत्र की पुत्री, तो इसका मतलब एक जनरेशन नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या पूछा जा रहा है, किसके बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती पुत्री की पुत्र की पुत्री है, तो वो अपने खुद के बारे में बात कर रहा था। लड़की उस आदमी से क्या किस प्रकार से संबंधित है, तो लड़की देखिए उसकी पुत्री हो जाएगी। उस आदमी की यानी कि वो स्वयं के खुद के बारे में बात कर रहा था, एक अपने पिता की पत्नी की पुत्र, इकलौते पुत्र की पुत्री, वो उसकी खुद की पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उस आदमी की वो पुत्री है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए मुझे कब पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, या तो आप लाइक करिए, फटाफट वीडियो को लाइक करिए तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहे हैं, या फिर आप कमेंट करिए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर समझ में नहीं आया, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंप्रूव करूँगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए जरूर, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, बताएं कि विमल उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, भाई मेरे दादाजी, आप खुद के बारे में सोचिए, मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र कौन होगा, मेरा पिता होगा, कि पुत्री कौन होगी, मेरी बहन होगी, भाई मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री मेरी क्या लगेगी, मेरी बहन लगेगी ना। तो बस यहाँ पे यही पूछा है कि बताए विमल उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा अगर आप देखिए, मैं शुरू से आपको क्या दिखा रहा था, वेन डायग्राम बना के, एक डायग्राम बना के क्वेश्चन को सोल्व करा रहा था, अब लास्ट में आते आपको डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो आप खुद ही सोचते ही लाइन को पढ़ते चले जाएंगे और आपका जो क्लियर एक मैप बनता चलता है वो क्लियर होता चला जाएगा और आप डायरेक्ट आंसर पर ही पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला जा रहा है पी प्लस क्यू का अर्थ है पी भाई है क्यू का। देखिए पी भाई है क्यू का प्लस का मतलब है, पी माइनस क्यू का मतलब है पी माँ है क्यू की, पी मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है पी बहन है क्यू की, निम्न में से किसका अर्थ है एम मामा है आर का। यानी कि जो नीचे चार ऑप्शन आपको दिए गए इसमें से आपको बताना है कि एम आर का मामा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ माइनस का अर्थ माँ है, तो एम माँ हो जाएगी आर की, तो पहले वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें फीमेल ही आपका जो रिलेशन आएगा शुरू में ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही ट्रिक है आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की। फिर अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ, तो बी में एम प्लस के लिखा है, तो पी क्यू है, पी भाई है क्यू का, यानी कि एम के का भाई है, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगी के आर की माँ है। अगर के आर की माँ है और ये इसका इसका बेटा हो जाएगा आर, और ये इसका भाई है, ठीक है, तो आर का एम जो है वो आर का मामा हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा से बताता हूँ, देखिए एम के का भाई है, क्योंकि प्लस का मतलब है भाई, एम के का भाई है,
और माइनस का मतलब है के आर की माँ है। अगर ये आर जो है के का बेटा है और ये इसका भाई है, तो इसका बेटा ये इससे क्या संबंध रखता है, ये इसका मामा हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, बी लगाइए और राइट आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो चेक करने वाली चीज़ होती है वो यही है कि जैसे जैसे इन्होंने बोला है माइनस है, तो देखिए सबसे पहले स्टेप अगर माइनस होगा तो एम आर की माँ हो जाएगी, तो एम के का तो कभी भी मामा बन ही नहीं सकता ना, तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया तो ये इसकी बहन हो जाएगी, तो अगर ये के और आर दोनों बहनें हो जाएंगी तो ये आर एम का मामा कैसे हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों बहनें बहनें हो जाएगी तो ये तो दोनों का भाई हो गया ना, तो ये आर का मामा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। जब बी ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। यहाँ पे यदि ए पुत्र है क्यू की और क्यू और वाई बहनें हैं, वाई माँ की वाई की माँ जेड है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, तो शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं ना। यदि ए पुत्र है क्यू की, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ए और क्यू के बीच में पुत्र और पुत्री का रिलेशन बनाएंगे, तो ए पुत्र है पुत्री है क्यू की, तो आपने इसके नीचे एक जनरेशन नीचे लिख दिया। आप समझ में आ रहा है ना जनरेशन गैप जो मैं आपको समझा रहा था भाई, ये इससे एक नीचे आएगा, ये इसके साइड में नहीं आ सकता, ऊपर नहीं आ सकता, साइड में नहीं आ सकता, ये इससे नीचे ही आएगा ये, क्योंकि इसकी पुत्री है क्यू की। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है क्यू और वाई बहने हैं, तो अगर क्यू वाई बहने हैं तो एक लाइन में आ जाएंगे, क्यू यहाँ पे है तो वाई भी यहीं पे आ जाएगा, इसी लाइन में आ जाएगा, तो क्यू और वाई बहने हैं। उसके बाद बोला जा रहा है एक एक लाइन को, एक एक सेंटेंस को पढ़ते जाइए और करते जाइए। फिर यहाँ पे जो है बोला जा रहा है वाई की माँ जेड है, वाई की माँ कौन है, जेड है, तो वाई की माँ जेड कब हो जाएगी, देखिए यहाँ पे जेड होगा और ये इससे एक ऊपर चला जाएगा, वाई की माँ कौन है, जेड है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है आर बेटा है जेड का, तो जेड का कौन बेटा है, आर, तो ये भी इसके नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये इसकी माँ है और ये भी, यानी कि दोनों भाई भाई हो जाएंगे या फिर भाई बहन हो जाएंगे, जो भी जेंडर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ये भी इसका बेटा है या बेटी है, या भी इसका बेटा या बेटी है, पुत्र है तो बेटा ही है, तो डेफिनेटली बताया गया क्वेश्चन में, तो ये दोनों के दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, तो निश्चित रूप से सत्य, देखिए ए का भाई आर है, तो ए का भाई आर है, देखते हैं हम अभी इस चीज़ को, ए का भाई आर कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ए का मामा आर है। ठीक है, ए का आर जो है वो ए का मामा है, तो ये कभी भाई तो हो ही नहीं सकता, तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर दूसरा है ए का चाचा आर है, तो ए का चाचा आर भी नहीं हो सकता है, हाँ ये आपका हो सकता है, बट यहाँ पे मामा शो कर रखा है, अगर ऑप्शन में मामा होगा तो आप इसको मामा लगा सकते हैं, अदरवाइज चाचा होगा तो चाचा लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ए का मामा आर है, तो बिल्कुल सही है आपका, देखिए चाचा नहीं दे रखा है तो मामा दे रखा, तो आप मामा लगाएंगे। ठीक है, अंकल जिसको हम बोल देते हैं, अगर कई बार देखिए इंग्लिश में हम अंकल बोलते हैं और वैसे मामा को इंग्लिश में अंकल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चाचा अंकल को ही बोला जाता है तो ये भी आपकी एक कंडीशन है जो याद आपको रखनी है, तो ए का मामा है आर, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पिता तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सी राइट आंसर रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक तो यार कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को क्लियर जब ही होती है चीज़ें जब आप बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है अभी तक जितने क्वेश्चन, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी आपको करना है। इसका आंसर इसी पीडीएफ में है, ये रहा यहाँ पे इसका आंसर, ये मैं आपको बता दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 11 इसको भी ट्राई करिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट मारिए, जैसे भी आपको ये क्वेश्चन अभी तक मैं पूरी वीडियो में कराते हुए आया हूँ, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर एक स्टूडेंट का। ठीक है।